एवरीवन, दिस इज दीपांजलि एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम इंडिया। बच्चों, प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था, जिसे पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। साथ ही साथ मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बिल्कुल सिमिलर ही बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है, यानी कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे हम लोगों का किसकी नॉलेज होती है? स्पीड की। और जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा, उससे हमें किसकी नॉलेज होगी? वेलोसिटी की। यही फॉर्मूला होता है वेलोसिटी और स्पीड का। तो दोनों टर्म जो हैं, चाहे वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो या स्पीड और वेलोसिटी हो, इनमें डायरेक्शन का अंतर होता है। अगर डायरेक्शन दे रखी है, मेंशन है, तब उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस में डायरेक्शन मेंशन नहीं होती है, और अगर डायरेक्शन मेंशन है तब ही उसको हम वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन मेंशन नहीं होती है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर है? इस डायरेक्शन का। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्राफ को ड्रॉ करने की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी सिमिलर वे में ही बनाएंगे। इस तरह का ग्राफ मैंने बताया था आप लोगों को, वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस रखते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट रखते हैं, और एक्स एक्सिस जो है उस पर हम लोग टाइम रखते हैं, और एक यूनिफॉर्म स्पीड या फिर हम कहें वेलोसिटी, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे तो वेलोसिटी हमें मिल जाती है। कैसी वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, तो इसमें स्पीड और वेलोसिटी एक ही टर्म में हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, अब ये जो होगा स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम कहें, तो वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में होगा, जैसे यहाँ डिस्टेंस और टाइम के बीच में था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में था, ऐसे ही यहाँ पर वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में था। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, याद करो ज़रा फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या निकालते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन। इसका मतलब इस बार हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना होगा। ठीक है, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है? स्पीड के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा? एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो ये जो स्लोप हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे वो हमें एक्सेलरेशन बताता है। दूसरा, आप ही ध्यान से पढ़ो, ये मैंने यहाँ पर स्पीड भी लिख सकती हूँ, कि मैंने बताया एक ही सेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, स्पीड अपॉन टाइम भी ये एक तरह से हो सकता है। ठीक है, अब ये दो वैल्यू से, स्पीड और टाइम से, हम एक और यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे फॉर्मूला क्या है यहाँ? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो अगर हमें किसी भी चीज़ की डिस्टेंस मेजर करनी हो तो भी हमें ये ग्राफ काम में आएगा। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस कैसे मेज़र होती है? स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम से। ठीक है, तो ग्राफ में दोनों चीज़ें हैं, दोनों यूनिट हैं, डिस्टेंस भी हम लोग उससे निकाल सकते हैं, प्लस डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो हम एक ही टर्म में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ बस वेलोसिटी लिख लेंगे और यहाँ टाइम। तो इस तरह का ग्राफ होगा, यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर हम लोग टाइम की वैल्यू रखेंगे, और इससे जो स्लोप वगैरह प्रेजेंट होगा उसे हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेशन करेंगे, और इन्हीं दोनों के अगर मल्टीप्लिकेशन से देखेंगे तो हमारी डिस्टेंस भी निकल आएगी। ठीक है, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था वो बता रहा था स्पीड और वेलोसिटी को, और यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है वो हमें बताएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस डिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन में भी हमारे पास वेलोसिटी और टाइम की ज़रूरत पड़ती है, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए भी हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी और टाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये जो स्पीड टाइम ग्राफ या फिर हम कहें वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, वो तीन केसेस के लिए पढ़ा जाता है। एक, जब स्पीड यानी वेलोसिटी, ठीक है, वो कांस्टेंट हो, ठीक है, कांस्टेंटली मूव कर रही हो कोई भी बॉडी, जैसे मान लो अगर एक कार है
उसकी जो स्पीड है या फिर उसकी जो वेलोसिटी है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। हमेशा एक घंटे में भी 60 किलोमीटर पर आवर, अगले घंटे में भी उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगर एक तरह से कॉन्स्टेंटली वो मूव कर रही है उस केस के लिए हम पढ़ेंगे। दूसरा, स्पीड चेंज होती है यूनिफॉर्म रेट पर, ठीक है, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उस केस के लिए हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड है, स्पीड चेंज होती है इन यूनिफॉर्मली, ठीक है, यानी अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये 3 केसेस होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जब हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। और लेट्स से हमारी जो कार है उसकी वेलोसिटी जो कांस्टेंट है वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो वाई एक्सिस पर वेलोसिटी या स्पीड लेंगे, जो कि डिपेंडेंट क्वांटिटी है। किस पर डिपेंडेंट कर रहे हैं, ये टाइम पर डिपेंडेंट है, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। और एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेंगे, दैट इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो अगर हम यहाँ 10, 20 और यहाँ 30 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है उस केस में ग्राफ ड्रॉ करना हो, कितनी कांस्टेंट है, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर 2 आवर 3 आवर, 1 आवर में 30 किलोमीटर, 2 आवर में 30 किलोमीटर, 3 आवर में भी 30 किलोमीटर पर आवर, इतनी ही स्पीड उसकी रही है, यानी वेलोसिटी इतनी ही रही है। सबको कंबाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, दैट इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, तब उस वक्त में टाइम एक्सिस के पैरेलल में हमें लाइन मिलती है और इस तरह का ग्राफ हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ कोई चेंज हो रहा है वेलोसिटी का टाइम के साथ साथ, नहीं हो रहा ना, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा, दैट इज़ ज़ीरो। जब इसकी वैल्यू ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमने बताया था ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग या तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे या फिर डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन तो नहीं करना है, डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड या फिर वेलोसिटी, अगर हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे तो, अप इनटू टाइम, ठीक है। कैसे आया है ये भी पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को बाहर निकालोगे तो स्पीड और ये टाइम मल्टीप्लाई में आ गया, ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके लिए हम कर लेते हैं, जब भी हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो टाइम के रेस्पेक्ट में रख कर करना पड़ेगा, यानी कि कितने टाइम है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई टाइम है, यहाँ सी पॉइंट है, यहाँ पर कितनी डिस्टेंस हमारे व्हीकल ने कवर की है जब वो सी पॉइंट पर था। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी टाइम एक्सिस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस कर्व पर। ये जो कर्व आया है ये किसका कर्व है, ये स्पीड और टाइम यानी वेलोसिटी और टाइम का कर्व है, वेलोसिटी और टाइम कर्व है। तो इस कर्व पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ बी, सी बी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, तो देखो पूरा अगर हम देखें ये एरिया, अगर हम ये एरिया को फाइंड कर लेते हैं किस किस के बीच का, टाइम और वेलोसिटी टाइम कर्व के बीच वाला एरिया हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। तो करेंगे, ये जो हमें दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल की तरह है। तो अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के, यानी हम डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाता है। लेंथ इनटू ब्रेथ हम लोगों को पता ही है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है किसका, रेक्टेंगल का एरिया। तो लेंथ हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर मैं पॉइंट ए ले लेती हूँ, ठीक है, ओ ए बी सी, ए बी सी कितनी लेंथ है, ओ ए, ठीक है। और देखो ये किस किस चीज़ को प्रेजेंट कर रही है लाइन, ये प्रेजेंट कर रही है स्पीड को यानी वेलोसिटी को, ठीक है। तो हमारे पास निकालने के लिए फॉर्मूला जो है उसी में पुट कर भी करेंगे और इसका एरिया भी हम लोग लिखेंगे। तो वेलोसिटी यानी स्पीड इज इक्वल्स टू ओ ए है, यहाँ लिख दिया लेंथ की जगह हम लोगों ने, और विड्थ कितनी है, ओ सी, ओ
सी, ठीक है। और ओ सी क्या है? टाइम है। तो टाइम भी आ गया हमारे पास, स्पीड भी आ गई यानी वेलोसिटी भी आ गई हमारे पास, तो डिस्टेंस को हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगर देखा जाए कि किसी दो पॉइंट के बीच में, जैसे मान लो ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया गया, ये वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, और टाइम टी वन दे रखा है और टी टू दे रखा है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक बोला था पहले मैंने, ओ और सी के बीच में हमने कितने डिस्टेंस को कवर किया है, यहाँ पर हम लोगों ने टी और टी वन और टी टू के बीच में निकालना है, तो वही होगा हमारा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के टर्म में निकालना है, तो हमारे पास ये पैरेलल लाइन होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल लाइन, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दोनों पर, ठीक है। ये हो गया लेट्स से ए, ये हो गया बी, वेलोसिटी ग्राफ, ये हो गया ओरिजिन। अब इस केस में भी हम कैसे करेंगे, ये एरिया कर लेंगे फाइंड, लेंथ, ठीक है। ये मान लो ए बी हो गया, तो ये सी कर लेते हैं। लेंथ कितनी हो गई, ओ सी, ठीक है। लेंथ की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, स्पीड है ना। और हमारा जो टाइम है, टाइम कितना हो गया, ये जो टाइम है टी टू, ये पूरा टी टू है, इसमें से अगर हम टी वन को माइनस कर लें, यहाँ से यहाँ तक का टी वन है, तो टी टू माइनस टी वन, तो हमें ये वाला पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है, इस पूरे में से ये वाला माइनस कर लो तो ये निकल आएगा, ठीक है। तो ये वाला हम ब्रेथ के लिए ले लेंगे, तो ये ब्रेथ हो गई, ये हमारा लेंथ हो गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाकर हमने सॉल्व कर लिया और हमने डिस्टेंस को पा लिया। ये डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, एस होता है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व जो हमें मिलेंगे इससे रिलेटिव, जब हमारी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। तो आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें सेकेंड केस, जब हमारी स्पीड यानी कि वेलोसिटी चेंज होती हो यूनिफॉर्म रेट पर, ठीक है, यूनिफॉर्मली वो चेंज होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का चेंज हो जाना, ठीक है। अब जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी उस केस में, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इक्वल अमाउंट ट्रेवल करती है कोई भी बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हम बहुत बार यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और शॉर्ट में हम कहें तो ये जो स्पीड है, जिसको हम क्या भी बोल रहे हैं यहाँ पर ग्राफ के पॉइंट में, वेलोसिटी, ये जो है ये डायरेक्टली प्रपोर्शन होती है टाइम के। टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी यूनिफॉर्मली, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ेगी इक्वली, और टाइम अगर डिक्रीज़ होगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज़ होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, ठीक है, ये दोनों ही। अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दो एक्सेस हम लोग बनाएंगे, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन, वाई एक्सेस पे हम क्या लेने वाले हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पर टाइम, स्पीड भी ले सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, लिखने को एक सेम सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक तरह से ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ, ये हो जाएगा पी। तो ये जो स्लोप है, ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि अगर यूनिफॉर्म होता है तो स्ट्रेट लाइन होती है, अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है तो ऐसी कर्व लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से, ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब हमने यहाँ कहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन तो हो रहा है, जीरो तो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा और डिस्टेंस, क्योंकि हम दो चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं इन दोनों की हेल्प से, ग्राफ में वेलोसिटी और टाइम की हेल्प से, ये दो चीज़ें। एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब तक तो सबको पता चल गया होगा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन, ठीक है, ले लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, देखो किसी भी पॉइंट पर हम एक्सेलरेशन पता करेंगे, यहाँ पर जैसे मान लो टाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए और वेलोसिटी के चेंज की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग मान लो ये जो पी पॉइंट है इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, ताकि हमारे पास ये टाइम आ जाए और ये वाला जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है वेलोसिटी की, और वेलोसिटी भी आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ ले लेते हैं क्यू,
और वेलोसिटी को इक्वल करने के लिए यहाँ ले लेते हैं पी क्यू आर ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी, ये वाली चेंज हो रहा है ना इतना, क्योंकि ये पैरेलल है इसके वाई एक्सिस के, और वाई एक्सिस क्या है वेलोसिटी, तो पी क्यू आ गया अपॉन टाइम। टाइम कितना हो रहा है ओ क्यू, ये टाइम एक्सिस है ओ क्यू। अब ये जो पी क्यू अपॉन ओ क्यू है, पी क्यू अपॉन ओ क्यू, ये इससे हम लोग क्या निकालेंगे, ये स्लोप की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये एक स्लोप का पार्ट है ओ पी, स्लोप किसको कहेंगे ओ पी, ये स्लोप है इसका पार्ट है, यानी ओ पी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ओ क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वेलोसिटी की जगह पी क्यू रखा है, टाइम की जगह ओ क्यू रखा है, ठीक है, यानी पी क्यू और ओ क्यू ये दोनों मिलकर हमें इसकी वैल्यू दे देंगे, इस स्लोप की वैल्यू। ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को, ठीक है, और वो भी कैसा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था, उसमें जो स्लोप आता है वो यूनिफॉर्म स्पीड को या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करता है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में यानी वेलोसिटी और टाइम से जो हमें ग्राफ मिलेगा उससे हमें एक्सेलरेशन मिलता है, तो ये स्लोप हमारी हेल्प करेगा वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने में। तो ओ पी क्या है यहाँ पर, ये एक्सेलरेशन के लिए है जो कि इक्वल होता है पी क्यू अपॉन ओ क्यू के। तो ये हो गया फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स डिस्टेंस। अगर हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो तो हमें एरिया को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब की बार हमारे पास रेक्टेंगल नहीं लेना है, बल्कि हमें पी क्यू ओ, ये जो हमारे पास तीन यूनिट हैं, इनके बीच का ये जो एरिया है ये फाउंड आउट कर लेना है। ये फाइंड आउट करेंगे कैसे, ट्राइंगल है तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल के, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, तो लगा देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो डिस्टेंस को कैलकुलेट हम यहाँ सिंबल लिख लेते हैं एस, तो हाफ इंटू बेस ओ क्यू, ठीक है, हाइट ओ आर, या फिर पी क्यू हम लोग ले सकते हैं, पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू ओ क्यू और पी क्यू। ये हो गया हमारा डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का। आई होप यहाँ तक तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, अगर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कभी कभी क्या होता है, ये तो चलो इंक्रीज़ हो रहा था, टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है वैल्यू, कभी कभी ग्राफ जो है वो हमें ऐसे भी मिलेगा, ये डिक्रीज़ होता हुआ टाइम के साथ साथ, ठीक है। इस केस में भी हम लोग इसी तरह से ट्रायंगल ले लेंगे, और उसके लिए एक्सेलरेशन भी ऐसे ही होगा, और हमारे पास डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए भी इसी तरह से होगा, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, रिटार्डेशन ही कहते हैं ना उसको, रिटार्डेशन। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा होता है तो उसको रिटार्डेशन टर्म से हम सिंबलाइज करते हैं, पर्टिकुलर टर्म है रिटार्डेशन। तो ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन को शो करेगा, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन को शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बी पॉइंट की बात करें, इसी में ही आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने एक पॉइंट को डिस्कस किया जिसमें कि हमारा जो ग्राफ आया यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है। इसमें यहाँ ओरिजिन से शुरू हो गया था, इसका मतलब यहाँ पर जो भी बॉडी के बारे में हम बात करें, जैसे कार के बारे में, वो पहले रुका हुआ था, जीरो पर था, रेस्ट की पोजीशन पर था, उसके बाद उसने ये फाइनल वेलोसिटी वी गेन की है। यहाँ अगर इनिशियल वेलोसिटी देखें तो वो ज़ीरो होगी, जिसे हम यू से सिंबलाइज करते हैं। अब अगर हम देखें बी पार्ट में हमें इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं लेनी है। इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़ीरो ना हो, ठीक है, कोई नंबर दे रखा हो, जैसे अगर हम देखें हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है 5, 10, 15, 20, ये वैल्यू दे रखी है, टाइम दे रखा है 0, 1, 2, 3, r, ठीक है। अब इसमें जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये हो गया 0, 1, 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, 10, 15 और 20। अब इसमें जो ग्राफ ड्रॉ होगा वहाँ 0, जब तक वो चली नहीं है, मतलब टाइम उसने कंज्यूम नहीं किया है, उस पर उसकी वेलोसिटी कितनी है 5, तो वो यहाँ पॉइंट हो जाएगा। 1 आर में 10 मीटर पर सेकेंड, 1 आर में 10 मीटर पर सेकेंड, 2 आर में 15, 2 आर में ये हो गया 15,
ये टू थोड़ा पीछे हो गया यहाँ का, ठीक है। थ्री आर में 20, ये हो गया 20 और ये हो गया 3R। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिली है, ऐसी ही है लेकिन वो ओरिजिन से शुरू ना होकर ऊपर से शुरू है। इसका मतलब हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं है, इनिशियली उसने कुछ वेलोसिटी गेन करके रखी है। इस केस में हम लोग कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेलरेशन को और डिस्टेंस को? तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि 5 तक है, जिसे यू से सिंबलाइज करते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी। ये हो गई फाइनल वेलोसिटी जिसको वी से सिंबलाइज करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये वेलोसिटी के लिए था, ये टाइम के लिए था। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है इसमें से हम अगर इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं तो एक्सेलरेशन निकल आता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देना। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ हम लोग ले सकते हैं ए बी सी, तो बी सी में से हम यहाँ पर ओ ए माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आएगी एक्सेलरेशन की, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये जो हमें ग्राफ दिख रहा है इसमें ये रेक्टेंगल भी है और ये ट्राइंगल भी है, पूरे का एरिया अगर हम फाइंड आउट कर लें जोड़कर, ठीक है। तो वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। दोनों का निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गई डिस्टेंस, ठीक है। इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो पूरा आप लोगों को पता चल जाएगा। साथ ही साथ इसके लिए एक और तरीका है, आप लोग ये देखो, ये जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रही है कुछ इस तरह की है, ठीक है। ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है, इसमें दो पैरेलल साइड है, ठीक है, दो अलग हैं। इस जब दो पैरेलल साइड होती हैं तो उस शेप को हम लोग क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? ट्रपेजियम। ये क्या है हमारा? ये ट्रपेजियम है, दो पैरेलल साइड है इसमें। अगर हम इस पूरे ट्रपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं ये वाला, तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी। अलग अलग ना करके पूरा एरिया फाइंड आउट कर लें तो ये भी तरीका हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रपेजियम कितना होता है? हाफ, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा? सम ऑफ टू पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई में हो जाएगा हाइट। ये होता है ट्रपेजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, इन दोनों का सम इनटू हाइट और हाफ अपॉन हाफ। तो ये हो जाएगा, कैसे करेंगे सम ऑफ कैसे लेंगे? ये हमारा हो जाएगा ओ ए, ओ ए ये वन अपॉन हाफ है ही, वन अपॉन टू है ही, ओ ए प्लस ये हो जाएगा हमारा, ये सी है, बी सी, बी सी, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट। हाइट हम लोग जो लेते हैं ट्रपेजियम में वो लेते हैं, मतलब जनरली जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हो दोनों पैरेलल लाइन से। तो ये ना लेकर हम लोग क्या लेंगे, ये तो दोनों हमने ले ही लिया है, ये वाली हाइट ले लेंगे, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, तो हमारी हाइट हो गई ये टाइम, टाइम एक्सिस ओ और सी, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस जो कि हमने ट्रपेजियम की हेल्प से निकाल लिया। या तो आप ऐसे कर सकते हो, दोनों का अलग अलग निकाल लो, या फिर ट्रपेजियम की हेल्प से आप ऐसे कर लो, तो वो कोई भी एक चीज़ आप लोगों को आ जानी चाहिए। थर्ड वन हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है चेंज इन अ नॉन यूनिफॉर्म वे। अगर स्पीड या वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली अगर चेंज हो रही हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए सिंपल सा, वेलोसिटी ये हो गया टाइम, कर्व आ जाएगी, तो हम इस कर्व को कैलकुलेट कर लेंगे और ये जो एरिया होगा, जो भी एरिया ये जो टाइम के साथ साथ निकल कर आएगा उसको हम लोग मान निकाल लेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा। ये वाला जो टॉपिक है आपके उसमें इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है, आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। तो ये दोनों, ये जो कर्व ग्राफ है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहे हैं,
दोनों में ही नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज होती चली जा रही है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। यहीं से ही हम लोग एक्सेलरेशन डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे, और ये टॉपिक आपके 11th क्लास में है थोड़ा डिटेल में। यहाँ पर आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही होना था। तो आई होप जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया होगा आपको समझ में आया होगा। टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।